दोस्तों कैसा आप सब आप लोग स्वागत है मोर अपडेट्स के ऑटो न्यूज़ एपिसोड नंबर 58 में। फाइनली दर्शन हो ही गया। और दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से इसकी जो ऑटो इंडस्ट्री की जो कुछ भी प्लानिंग्स है वो थोड़ी सी डिले होती जा रही है। बट अभी मैं आपको बता दूँ कि वापस से वो ट्रैक पे आ रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं सारी गाड़ियाँ और वो सब कुछ। तो अभी आपको शायद नेक्स्ट वीक से आपको बहुत कुछ न्यूज़ देखने को मिल सकती है। बट अभी तो ये वीकेंड आ रहा है और कल तो सैटरडे, कल तो शायद बिल्कुल न्यूज़ भी ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल शायद मैं अलग टॉपिक वाला वीडियो का शूट कर लूँ या फिर डाल भी दूँ, पता नहीं। बट कुछ कल कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, तो आप वेट कर सकते हो। और देखने जाए तो कल शायद न्यूज़ हो भी नहीं। तो अभी आज की जितनी न्यूज़ है वो अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मेरा नाम है ध्वनि, तो आप देख रहे हैं मोटर अपडेट्स। सच में ये एक थोड़ी सी बुरी खबर बोल लो, क्योंकि ये जो है खबर आ रही है कि रेनो डस्टर की जो न्यू जनरेशन जो है वो इंडिया में नहीं आने वाली है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं, अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। रेनो की प्लानिंग चल रही है कि इसको अभी डिसकंटिन्यू करा जा रहा हो सकता है, मतलब रिपोर्ट्स है, कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। बट ऑफकोर्स हो भी सकती है, बिकॉज इसकी जो सेल्स है वो दिन प्रतिदिन जो है वो डाउन होती जा रही है। और देखने जाए तो लिस्ट कार सेलिंग में इसका नाम आता है। और एक ज़माना हुआ करता था जब लोगों को सिर्फ डस्टर ही खरीदनी होती थी, एक होता था उसका भी टाइम होता था। बट अभी डस्टर का जो नाम है वो बहुत ही खराब गाड़ियों में माना जाता है, बहुत ही कम सेलिंग कार्स में माना जाता है। और इसी वजह से शायद रेनो नेक्स्ट जनरेशन जो है डस्टर के वो शायद ना भी लाए। देखते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो वेट करो। अगली जो न्यूज़ है वो है इसुजुकी तरफ से। इसुजुकी जो गाड़ियाँ हैं वो अप्रैल महीने में लॉन्च होने वाली थी। इसुजु डी मैक्स, वी क्रॉस हो गई, MUX हो गई, ये सारी गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली थी, हाईलैंडर। और ये तीनों गाड़ियाँ अभी 10th ऑफ मई को लॉन्च हो रही है। जैसे कि मैंने 2-3 दिन पहले की ऑटो न्यूज़ में बोला था कि ये गाड़ियाँ 8th ऑफ मई को लॉन्च होने वाली है, बस थोड़ा सा डिले हो गया 2 दिन का और 10th ऑफ मई को लॉन्च हो रही है। रिपोर्ट्स एकदम सच्चे रहे। और अगर हम बात करें तो आपको सब कुछ लॉन्च के दिन सब कुछ जो फीचर्स और वो सब कुछ है आपको पता चलने वाला है। और अगर हम बात करें तो धीरे धीरे गाड़ियाँ लॉन्च होगी और ऑफ कोर्स प्लानिंग में थोड़ा सा डिले चल रहा है, बट सारी कंपनीज धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी। तो जो आज की आखिरी न्यूज़ है वो है CF Moto 650 की तरफ से। CF Moto की जो 650 है ये अप्रैल महीने में लॉन्च होने वाली थी, ड्यू टू कोविड इसका भी लॉन्च डिले हो गया। और अभी जो उसकी बुकिंग्स और वो सब कुछ तो ओपन होने वाला था, बहुत ही जल्द हो जाएगा। और इसका जो टीज़र है वो आज आउट हो चुका है और बहुत ही जल्दी आपको लॉन्च होते हुए भी देखने को मिल सकती है। सो वेट कीजिए। यही थी न्यूज़, अभी यहाँ पे हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। अच्छा चलता हूँ।